अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमने बात करना है एक और टॉपिक जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में यहाँ पे देखेंगे कि राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया था और इसके कंपोजिशन क्या है और इसके स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राइबोसोम्स होते क्या है। राइबोसोम्स को सबसे पहले राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। सही, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यू राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। सही है, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स हमारे पास टाइनी ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। सही है, टाइनी हमारे पास ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है, हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर लाइक होंगे। इसकी वजह से जो हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स लेस मेम्ब्रेन होगा। सही, राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेन नॉट कंसिडर कंसिडर ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स यहाँ पे ग्रेन्यूल्स कंसिडर नहीं करेगा। इसी वजह से क्योंकि हमारे पास मेम्ब्रेन लेस होते, इससे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते, इसी वजह से इसको मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक, समझ आए। उसके बाद जो हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स आल्सो राइबोसोमल आ रहे हैं, राइबोसोमल आ रहे हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है, ओके सॉरी, राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। सही है, ठीक है, इसको इसी वजह से। और राइबोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय पलार्ड। पलार्ड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था किस चीज को, राइबोसोम्स को। अभी देखना है कि भाई राइबोसोम्स का कंपोजिशन कैसे है, किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है, किस चीज़ से बना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स को हमारे पास जगह की कमी की वजह से मिटाया जाता है, ठीक है, इसको मिटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, ठीक, कंपोजिशन 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 हमारे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आरएनए से बने एंड प्रोटीन से बने। एंड जो राइबोसोमल है ये ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन से बने, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। इसी वजह से क्योंकि राइबोसोम किस चीज से बने होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स को जो फॉर्म्स होते हैं, सही, फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स दो फॉर्म्स होते हैं, सही है, हमारे पास फॉर्म्स, ठीक है, हमारे पास एक लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर
हमारे पास जो स्मॉल है वो हमारे पास 80 है और 70 एस, एंड जो लार्ज है वो हमारे पास है 80 एस, 80 एस राइबोसोम। ओके, अभी देखेंगे कि जो लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट में टाइप्स है वो भी टाइप्स है प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में अभी देखेंगे, ठीक है, प्रोक्रियोट्स में भी लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ओके, एंड स्मॉल सब स्मॉल सब यूनिट है हमारे पास, लार्ज सब यूनिट है वो हमारे पास क्या है 50, जो हमारे पास स्मॉल है वो हमारे पास क्या है 30s। अभी 30s को और 50s को मिलाने के लिए, अभी देखो, अब जब इसको मिलाएंगे ना, मिलाने के लिए स्टूडेंट्स का सोच यही होंगे कि ये हमारे पास 80s होंगे। नो, 80s नहीं होंगे, और उसका वजह मैं बताऊंगा कि कैसे क्यों नहीं होते सही। वैसे तो ना 50 का और 30 को एक साथ मिलाया हो तो कितने होते हैं, तो लाजमी 80 बनते, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं, जो ऊपर वाला है जिसका कंसिडर ज्यादा है, ठीक है, उसके जो कंसिडर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं गिनेंगे, 10 नहीं गिनेंगे, 10 को हम लोग ऊपर वाले जो जितना ज्यादा होगा उस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50s, अगर यहाँ पे 70 50 है ना, यहाँ पे 70s होता फॉर एग्जाम्पल सपोज, यहाँ पे तो इससे रह जाता था, इसको नहीं गिना जाता, लेकिन जो ऊपर वाला हमारे पास ज्यादा है ना उसका हम लोग उसको माइनस करते, फॉर एग्जाम्पल इसको 70s लिखा है। इसी वजह से इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने से कैलकुलेशन करें या प्लस करें या माइनस करें, दैट्स नॉट ओके, ये कोई और इसका मेथड है। इसी तरह के जो ऊपर वाले ना जिसका कंसिडर ज्यादा है उसका नहीं गिनाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकेंड है ए यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स यूकेरियोट्स भी हमारे पास क्या स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है। ओके, लार्ज सब यूनिट सब यूनिट सही है, हमारे पास लार्ज सब यूनिट है वो है हमारे पास क्या है 60s, जो हमारे पास स्मॉल है वो हमारे पास है 40s। अभी देखो यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन बनता है, सही है। अभी 60 को 40 के साथ मिलाओ बनते क्या है 100 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जवाब क्या आएगा, इसका जवाब 80s। क्यों, वही है जो ऊपर वाला है जिसका ज्यादा कंसीडर होगा, ठीक है, उसको हम लोग नहीं गिना जाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 है ना, 60 है ये, 60 ऐसे समझो कि यहाँ पे 40 है, 40 और 40 को मिलाए कितने बनते 80s। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 माइनस करो 40 बनते हैं ना, यहाँ पे सपोज ऐसे सोचिए कि भाई यहाँ पे 40 है, 40 को 30 को मल्टीप्लाई करें कितना बनते हैं 70s। इसी वजह से जो ऊपर वाला है इसका कंसिडर ज्यादा है ना उसको हम लोग नहीं गिना जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से उसको 80s 80s नाम दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसका थायमिन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे मैथ, जो ऊपर वाला है वो हमारे पास लार्ज सब यूनिट है, जो हमारे पास नीचे वाला है वो हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है। ये हमारे पास एम मैसेंजर आ रहा है इनमें, आरएनए के साथ कैसे जुड़ सकते, कैसे अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आर एन ए है, सही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल एस है, जो ऊपर वाले के लार्ज लार्ज सब
सब यूनिट। ठीक, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए में अटैच होगा, वो फॉर्म अटैच होगा जब, देखो सबसे पहले हमारे पास स्मॉल सब यूनिट उसके अटैच होगा, सही, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, सब पहले वो अटैच होगा, फिर बाद में लार्ज सब यूनिट, सब यूनिट अटैच होगा। देखो इसको अटैच होने के लिए मदद दे रहा है वो हमारे पास है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन इसको अटैच होने में मदद देगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के साथ। किस चीज को सबसे पहले कौन अटैच होगा? स्मॉल सब यूनिट, जो उसके बाद अटैच होगा कौन? लार्ज सब यूनिट, सही। फॉर एग्जांपल यहाँ से टीआरएनए ब्रिंग करके जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए, उसको मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन के लिए उसको अटैच करेगा यहाँ पे, फिर से आगे जाएगा, ठीक है। इसी वजह से पहले सबसे सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट अटैच होगा, ठीक है। ये था हमारे पास जो स्ट्रक्चर का था, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग फंक्शन देखें, फंक्शन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। और एक बात मैंने भूल गया था, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे 80s और 70s पुट किया है, और इसका आज का मान क्या है, इसका जो मीनिंग है उसका क्या है, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको स्वेडबर्ग ने नाम दिया था, उसके बाद स्वेडबर्ग का नाम दिया गया यहाँ पे 70s, 80s, 30s, 50s का नाम दिया गया, ठीक है। अभी देखते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल फंक्शन तो ऐसे है ना, तो देखेंगे कि राइबोसोम्स किस चीज से बनते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम, ओके। हमारे पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, हमारे पास राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं हमारे लिए? प्रोटीन बनाते हैं। फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन इज राइबोसोम, ओके। और जो राइबोसोम्स को बनाना चाहते हैं, ठीक, वो हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारे लिए क्या बनाते हैं? राइबोसोम, सही है। यहाँ पे जो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, बनाने के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज का ये था हमारा लेक्चर, आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी, आने वाले वीडियोस ताकि मिस नहीं हो जाए, ठीक है। जो पहले हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, जिंदगी रही, इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआ में याद रखें, अल्लाह।